गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं एमडी टेक। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हैकिंग सीखने के लिए आपको क्या क्या बेसिक स्किल्स की ज़रूरत है या किस किस जो जो नॉलेज की आपको ज़रूरत थी, उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो उस वीडियो से रिलेटेड मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई कौन सी वेबसाइट पे या कौन सी बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे जाके हम सिंपल लैंग्वेज में हैकिंग को सीख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 वेबसाइट के बारे में। तो चलिए एक एक करके, धीरे धीरे करके इन वेबसाइट को देख लेते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखें, एक भी टॉपिक या ट्यूटोरियल मिस ना करें। तो चलिए देख लेते हैं। गाइज, मैंने देखा है कि कई लोगों को वेबसाइट पर जाके आर्टिकल पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उनका मन कहता है कि कोई इसे सामने से आके बता दे आराम से, धीरे धीरे, उसके बाद में मैं सुन लूँ और फिर मैं जान जाऊँ। तो उन लोगों के लिए वेबसाइट काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। वो कैसे, मैं आपको बताऊँगा। आपको सिंपली अपने ब्राउज़र पर जाना है। ब्राउज़र पर जाने के बाद में आपको यहाँ टाइप करना है सिक्योरिटी ट्यूब। टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं द सिक्योरिटी ट्यूब पे आपको ओपन करना है www.youtube.com। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि हैकिंग से रिलेटेड आपको काफ़ी वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी, काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप इसको सीख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस वेबसाइट पर जाके विजिट ज़रूर करें और मुझे भी बताएं कि आपको ये वेबसाइट कैसी लगी। सबसे पहले बात करेंगे, उसका नाम है साइबर। इसके लिए आपको सिंपली अपने ब्राउज़र पर जाना है। ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको टाइप करना है साइबर। टाइप करने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पहले वाले पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर इस पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने पहले से ही अकाउंट बना रखा है। तो चलिए इस पर लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस पर आप जाके कोर्सेज हैं, OP3N है, ऐप्स हैं, एलिगेंस हैं। इस वेबसाइट की मुझे सबसे अच्छी बात गाइज ये लगी कि इस वेबसाइट पे आपको एक इंस्टीट्यूट की तरह पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप इस पे देख सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं, प्रैक्टिस लैब्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, बहुत कुछ हैं। तो हमें जाना है इससे पहले कोर्सेज पे। कोर्सेज पे जाने के बाद में आपको क्लिक करना है पेनेट्रेशन टेस्टिंग एंड एथिकल हैकिंग पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, और भी गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। बिगनर COM TIA A+, COM TIA Linux, आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो आप उसे सीख सकते हैं। और गाइस, अगर इस वेबसाइट में एक बात और है कि आर्टिकल के साथ साथ में इस वेबसाइट में आप वीडियो भी देख सकते हैं। मॉड्यूल 1 से आपको स्टार्ट करना है। तो गाइस, ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है, मुझे जहाँ तक लगता है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब आप लोगों को कैसी लगती है वो देखना है। की बात करेंगे, वो वेबसाइट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। इस वेबसाइट की सबसे खास बात मुझे गाइस ये लगी है कि इसमें हर चीज़ काफ़ी सिंपल तरीके से बताया गया है लोगों को, कि समझ में आ जाए। काफ़ी एडवांस लेवल पे नहीं बताया गया है, मतलब आप अच्छे से इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वेबसाइट कौन सी है। सिंपली आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है। ब्राउज़र पर जाने के बाद में आपको टाइप करना है GRU99। नाम भी इसका उतना ही सिंपल है, मीट GRU99 पे आपको इंटर प्रेस करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं गाइस, इसका इंटरफेस भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, सिंपल तरीके से,
हर एक चीज काफी बारीकी से एक्सप्लेन की गई है। आपको सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे आना है, सबसे नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा एथिकल हैकिंग, इस पे आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं गाइस, इसमें सबसे पहला जो ट्यूटोरियल है आपको यही बताया गया है कि हैकिंग क्या है, उसके बाद पोटेंशियल स्किल्स, टॉप सिक्स एथिकल हैकिंग टूल्स, और भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो ये वेबसाइट काफ़ी मुझे ज़्यादा गाइस अच्छी लगी है, और आप लोगों को भी मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, और आप लोग भी विजिट करके इस वेबसाइट पर मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा है आपको। इस हैकिंग सीखने के लिए हैकिंग ट्यूटोरियल नाम की वेबसाइट आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस वेबसाइट में आपको हैकिंग से रिलेटेड बहुत काफ़ी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, जिसमें हर ट्यूटोरियल में काफ़ी अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, और इस वेबसाइट में आपको हैकिंग से रिलेटेड न्यूज़ भी मिलती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं इस वेबसाइट को भी। तो सिंपली आपको अपने फिर से ब्राउज़र पे जाना है, ब्राउज़र पे जाने के बाद में आपको टाइप करना है हैकिंग ट्यूटोरियल्स। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद में एथिकल हैकिंग ट्यूटोरियल्स टिप्स एंड ट्रिक्स www.hackingtutorial.com, इस पे आपको एंटर प्रेस करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं गाइस कि इसमें हर तरह की हैकिंग के बारे में बताया गया है, फ़ोन हैकिंग, हैकिंग न्यूज़, हैकिंग हैकिंग नॉलेज, हैकिंग ट्यूटोरियल्स। तो गाइस आप स्टेप बाय स्टेप इसमें जाके आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं जो जो चीज़ आपको सीखना है या जो जो चीज़ आपको पढ़ना है। तो मुझे वेबसाइट काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में। जितनी वेबसाइट मैंने बताई उस पे आपको बहुत हाई एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाता है, लेकिन इस वेबसाइट में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, इसे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी भी होगी। और इसमें एक चीज़ गाइस अच्छी बात और भी है, इसमें आपको हैकिंग से रिलेटेड सारी न्यूज़ भी मिलती रहेंगी, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी इसमें। तो आप इस पर एक बार विजिट ज़रूर करें। ऑनलाइन हैकिंग सीखने के लिए ब्रेक द सिक्योरिटी वेबसाइट आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। इस वेबसाइट पर आपको एथिकल हैकिंग ट्यूटोरियल और हैकिंग से रिलेटेड न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको बेसिक हैकिंग से लेके एडवांस हैकिंग तक के ट्यूटोरियल्स आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो चलिए इस वेबसाइट को भी देख लेते हैं। आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है, आपको पता ही है, सबसे पहले ब्रेक द सिक्योरिटी आपको टाइप करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद में आपको फर्स्ट पे एंटर प्रेस करना है, ब्रेक द सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फाउंडेशन। जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको एथिकल हैकिंग पे टाइप करना है। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कारी बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, इस वेबसाइट पे ये है तो काफ़ी अच्छी, लेकिन इस पे आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की जानकारी भी पूरी मिल जाएगी। लेकिन इस पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको कम से कम, जैसे मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करेंगे आपको बेसिक नॉलेज होना कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप अपनी बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद में आप इन सारी वेबसाइटों पे विजिट कीजिए। We'll be right back.